द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -30। ठीक है, दो इंटीजर्स हैं जिनका सम कितना है -30 है, कुछ है दोनों का दूसरा कुछ और है, दोनों का सम है -30। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं वन ऑफ देम इज 15, अगर एक उनमें से 15 है तो यू हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर, दूसरा इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो ये दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगी, -30 तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है, मैं इस +15 को अगर मैं इधर ले आती हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, और प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे साइन है, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 + 15 कितना हो गया, दिस इज 45। ठीक है, साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, देखो 30 बड़ा है, 30 के साथ साइन है नेगेटिव का, तो वो नेगेटिव साइन लग जाएगा, योर आंसर विल बी -45। क्लियर है? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अ सबमरीन वॉज 3500 मीटर बिलो द सी लेवल। सपोज ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल को हम 00 जब कंसिडर करते हैं, ठीक है, उससे नीचे भाई सबमरीन है, कोई भी सबमरीन क्या होती है, जो स्ट्रीमर टाइप का होता है, जो पानी के अंदर रहता है, ठीक है, तो ये कितना है, कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3500 मीटर्स बिलो द सी लेवल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इफ इट एसेंस 1200 मीटर, एसेंस मतलब ये अब ऊपर आ जाती है, कितना 1200 मीटर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट इट्स न्यू पोजीशन, अब इसकी नई पोजीशन बतानी है हमको। क्लियर है? देखो पहले कोई चीज यहां थी, अब वो थोड़ा ऊपर आ गई। सपोज अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ठीक है, ऐसे चलो नंबर लाइन अपनी ऐसे बना लेते हैं, कोई चीज जो है 5 मीटर्स पे थी, अब वो चीज आ गई है 3 मीटर्स पे, तो अब वो उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ, कैसे करेंगे, 5 - 3 हो जाएगा 2 मीटर्स, है ना, ऐसे तो करेंगे, सेम हम यहाँ पे भी वही तरीका लगाएंगे। तो अब हमारा वो स्ट्रीमर जो सबमरीन है वो कितना उसकी पोजीशन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन इज इक्वल टू 3500 - 1200। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2300 मीटर्स। ठीक है, लेकिन हमको उसकी पोजीशन बतानी है। देखो पानी से अगर ऊपर होता, अबव द सी लेवल होता, तो वो चीज हमारे सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन बिलो द सी लेवल जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, दे आर टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है? ये बात अच्छे से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर सी लेवल से ऊपर कोई प्लेन है, नीचे सबमरीन है, तो प्लेन की हाइट या क्लाउड की हाइट पॉजिटिव ले लेंगे, उस सबमरीन की हाइट नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्योंकि पानी के नीचे है वो सबमरीन, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट।